हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, उसका चौथा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे टेरिटरी को कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कि हाँ, एक एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट बन गया तो ये कैसे सब कुछ पॉसिबल है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ हम सब्सक्राइब करके और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी ये सब जानने का मौका मिले और उनके भी हेल्प हो सके। आइए देखते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट में डिफाइन किया जाता है टेरिटरी, एंड उसके बाद बोला गया है टेरिटरी एंड यूटीज ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी एक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट। ठीक है, मान लीजिए जो हमारी टेरिटरी है, इसका मतलब हमारा जो जगह है हमारे स्टेट में, जो हमारे स्टेट के अंदर है जो जो वो, या तो यूटीज यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और टेरिटरी डेट इज़ एक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट। इसका मतलब मान लीजिए हमने कोई जीत जीत लिया, कल को हमने पाकिस्तान को जीत लिया, यानी पाकिस्तान भी हमारा पार्ट बन गया। ये तीसरा वो चीज़ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये एक चीज़ पूछा जाता है कि जो एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, या टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन सबसे बड़ा है, किससे पता चलता है कि बहुत बड़ा है। याद रखिएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होता है बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। इसका मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में पाकिस्तान को हमने अगर जीत लिया तो वो भी आ जाएगा, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे साथ यूनियन नहीं था पहले से, कि हाँ बना नहीं, हम इंडिया बना नहीं और पाकिस्तान भी साथ में था, ये नहीं था। हाँ, जो भी पहले था, जो भी प्री इंडिपेंडेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उस समय नहीं था, तो वो हमारा टेरिटरी होगा, कि हमने जीता हुआ पार्ट को भी अपना समझ लिया। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं, यूनियन मतलब जो हमारा था वही है, जो जीता है वो हमारा नहीं है, अभी हम उसको अपना नहीं मानते हैं। हाँ, उसको ये समझते हैं कि हम हमारा शासन है उसके ऊपर, ये समझते हैं, लेकिन टेरिटरी इसीलिए वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि आपको देखिएगा तो यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है, आप पढ़िएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा। और देखिए एक और चीज़ कि अगर आप वीडियो में पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में बोलिएगा तो मैं डाल दिया करूँगा, और आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और सच बताएं तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आप लक्ष्मीकांत या कोई सी भी आप पॉलिटी की बुक खोलते हैं तो इतने शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये बिल्कुल आपका टू द पॉइंट है और हर चीज़ इंक्लूड है, कहीं से भी कोई चीज़ मिस नहीं होगा, पर मैं गारंटी देता हूँ। और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा आपको क्वेश्चंस जो आएंगे उसको सॉर्ट आउट करते रहेंगे, अगर इन चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं तो। उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए था और इससे पढ़िए था, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये आपको टू द पॉइंट और छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, उसमें इतना सारा चीज़ लिखा गया, आप छोटी चीज़ें निकाल भी नहीं सकते हो। ठीक है, ये बहुत सालों की मेहनत के बाद ये सब चीज़ें पता चलेंगी आपको। ठीक है, अब देखिए आगे चल के देखते हैं जो पार्लियामेंट का पावर है। देखिए ये चीज़ मैंने बता रहा था ना, जो आर्टिकल 3 पावर जो है पार्लियामेंट को बताता है, वो क्या कर सकता है, नया स्टेट फॉर्म कर सकता है। ठीक है, लिखा है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे मान लीजिए एमपी है, उसको दो भाग में बांट दिया गया था, छत्तीसगढ़ हो गया और एमपी हो गया, बिहार और झारखंड हो गया। ठीक है, और यूनाइट कर सकता है, यानी दो चीज़ों को जोड़ भी सकता है, दो स्टेट को जोड़ के एक बना भी सकता है। ये पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, संसद के पास है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। उसके देखिए इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा भी सकता है, मान लीजिए 100 किलोमीटर तक है तो उसको 200 किलोमीटर भी कर सकता है, स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा के। ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तीसरा देखिए डिमिनिश, यानी छोटा भी कर सकता है एरिया को, ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अल्टर कर सकता है, ठीक है, नाम बदल सकता है, ये भी पावर किसके पास है, जैसे आजकल चल रहा है ना सब काम, नाम बदलने वाला जो प्रथा चल रही है, तो उसमें ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, वो अल्टर भी कर सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने रेड पेन से मार्क कर रखी है। देखिए टू कंडीशन ऑन दिस अबव आर, फर्स्ट क्या होता है अमेंड, देखिए कोई चीज़ होती है जिसमें अमेंड करना पड़ता है, कोई बिना अमेंडमेंट के हो जाएगा। ठीक है, और अमेंडमेंट जब होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जब भी होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही पार्लियामेंट में लाया जाएगा,
अमेंडमेंट ऐसा नहीं है मुंह उठाया और कल को चले गए, ठीक है, मनी बिल की तरह, ठीक है। मनी बिल भी जैसे होता है कि प्रेसिडेंट से लेना पड़ता है, वैसे ही होता है सब में, ठीक है। तो बोला दिस अमेंडिंग बिल इंट्रोड्यूस ओनली प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे तब नाम बदल सकते हो, बाउंड्री बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये काम हो सकता है। प्रेसिडेंट हैज़ रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। मान लीजिए कि एमपी का हमें एरिया बढ़ाना है, तो हम एमपी के स्टेट जो असेंबली है उसके पास भी बिल भेजेंगे कि वो इसका कंसर्न बता सके कि भैया इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वो अपना व्यू एक्सप्रेस कर सके। समझ में आ गया, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए ये चीज़ नोट करने वाली है, पार्लियामेंट फ्री है कोई भी एरिया को बढ़ाने या घटाने में, ठीक है, जो कि आपका वहाँ पे बताया गया हमारा स्टेट में है जो, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा गया है कि जो एरिया को बढ़ाते हैं इसे घटाते हैं वो आपका आर्टिकल 3 के अंदर कवर नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, आर्टिकल 3 में अंदर कवर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है जब हम छोटा बड़ा छोटा करते हैं तो अमेंड करेंगे, इसका मतलब स्टेट की परमिशन चाहिए होगी वहाँ पे, ठीक है। और कोई भी चीज़ को अगर फॉरेन को हम अगर सौंपते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें पूरे जो स्टेट है उसकी भी हमें सहमति चाहिए होगी। यानी इस चीज़ों को बदल दिया गया, यानी मान लीजिए कोई भी चीज़ें हैं अगर हम किसी को, मान लीजिए हम इंडिया का कोई पार्ट हो गया, हमको सौंपना है, जैसे अरुणाचल है, हम बार बार चाइना की बात करते हैं, चाइना को सौंपना है ऑफिशियली, तो हमें स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ऐसा नहीं है कि सेंटर अकेले डिसाइड कर ले इसको, ये कोई नाम चेंज करने वाला काम नहीं चल रहा है कि अकेले डिसाइड कर ले। समझ में आ गया होगा आपका। आइए अब देखते हैं जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, धार कमीशन और जेबीपी कमेटी के बारे में, ठीक है। जब स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम का बोला गया क्या कि स्टेट, देखिए भैया साउथ के लोग डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पे बन जाए स्टेट, कि हमारे जो कन्नड़ा बोलते हैं वो कन्नड़ हो जाए और जो मलयालम बोलते हैं और जो तेलुगु बोलते हैं ऐसे से हमारा स्टेट को बना दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जब धार कमेटी आई तो इन चीज़ों को वो मना कर दिया उन्होंने कि भैया ये कन्वीनियंस नहीं है। कि आप 1948 में आई थी धार कमेटी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूछा जाता है धार कमेटी कब आई थी, 1948 में आई थी। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कर दिया जाए स्टेट को, इस तरह से बना दिया जाए स्टेट को, ठीक है, फ्रेम कर दिया जाए। उसके दूसरी जो कमेटी आई वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारामैया, JBP कमेटी, ठीक है, वो आई। वो क्या, वो भी रिजेक्ट कर देती है क्या कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने का, वो भी 1949 में आई और वो भी रिजेक्ट कर देती है इस बात को कि भैया लैंग्वेज के आधार पर अगर बनाना शुरू करते तो जितने लैंग्वेज है पता नहीं कितने सारे लैंग्वेज है, यानी ये तो बहुत सारा बालकन स्टेट बन जाएंगे हमारे कंट्री में, सो उसको भी मना कर देती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैज़ल अली कमीशन आया, आपको देखिएगा यहाँ पे फैज़ल अली कमीशन के बारे में, तो 1953 के आया, ठीक है। उसने 55 में अपनी रिपोर्ट दी, इसने सबसे बड़ी बात बोली बोली कि लैंग्वेज के आधार पे आप बना सकते हो, ठीक है, स्टेट को आप बना सकते हो, नो डाउट आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज एक स्टेट का हो। यानी इनडायरेक्टली आपने कान इधर से ना पकड़ के उधर से पकड़ लिया कि ज़रूरी नहीं है एक एक स्टेट का एक ही लैंग्वेज हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ये एक उस समय का सिनारियो था, ठीक है। तो उसमें देखिए इसमें क्या होता है, प्रिजर्विंग द स्ट्रेंथ एंड यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। स्टेट बनाना है तो चार चीज़ों को अकाउंट में लेना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और यूनिटी को बनाए रखना पड़ेगा, यह नहीं कि हाँ स्टेट टूट के अलग हो जाए, अपने कंट्री को छोड़ के अलग हो जाए। उसके लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेजिमनी होगा, होमोजेनिटी होगा, इसका मतलब आप कल्चर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे और अपना लैंग्वेज को भी फॉलो कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और अपने जो भी संस्कार जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिड्रेशन, यानी आप फाइनेंशियल भी इकोनॉमिक भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी रूल कर सकते हैं अपने जगह पे, अपने स्टेट पे, ठीक है। लेकिन जब फाइनली जब एक चौथा ऑप्शन ऐड किया गया कि भैया आप इसके बारे में बताइए, तो इसमें बताया गया कि प्लानिंग एंड प्रमोशन एंड वेलफेयर द पीपल ईच स्टेट एज वेल एज नेशन ही एक्सेप्ट द लैंग्वेज एज ए स्टेट, बट एक लैंग्वेज एक स्टेट के लिए नहीं, रिजेक्ट कर दिया, एक लैंग्वेज एक स्टेट के लिए नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा लैंग्वेज एक स्टेट के लिए रह सकता है। तो बात घूम फिर के वही आई,
सो आज हमने देखा कि जो हमारा ये यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बारे में, कि हाँ वो कैसे है, कौन कौन चीज़ें ड्रॉ हो सकती हैं, सेंट्रल के हाथ में है, लेकिन आप किसी चीज़ को सौंप सकते हो तभी जब आप स्टेट से भी परमिशन लो, सबसे परमिशन लेना, क्योंकि फेडरल काम हो जाता है ये। सो ये सब चीज़ें हमने देखी इस वीडियो में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।